हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सबके फेवरेट बनाएंगे चिकन फ्राई राइस की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमने 500 ग्राम चावल लिए जिसको हमने धो के बॉईल किया है। हमने इसे 80% बॉईल किया है। चावल को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, हमने सादा चावल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने वेजिटेबल्स लिए हैं जिसको हमने बारीक चॉप करके रखा है। ये है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, गोभी, कैबेज, गाजर, कैरेट और स्प्रिंग अनियन, इसको हमने बारीक चॉप करके लिया है। ये है प्याज, हमने स्प्रिंग अनियन का ही प्याज लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्च 2 से 3। एक चम्मच लिया है ग्रेट करके लहसुन। ये हमने 250 ग्राम चिकन लिया है जिसके हमने बारीक बारीक पीसेस किए हैं। इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 1 अंडा। इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है और इसे करना है हमें फ्राई। इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे करेंगे फ्राई। ये हमने लिए है चाइनीज़ कढ़ाई जिसमें हमने ऐड किया है 5 टेबल स्पून ऑयल और अब इसमें डालेंगे चिकन। हमने एक साथ डाल दिया है सारा चिकन क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत बड़ी है, इसके लिए हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे करेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई। चिकन को हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है, पूरी तरह से हमें चिकन को पका के लेना है। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल देंगे। कढ़ाई में अगर ऑयल ज़्यादा है तो इसे आधा निकाल दे। चिकन के लिए ज़्यादा ऑयल डाला था, अब हम इसे आधा निकाल देंगे क्योंकि हमें इसमें ही अंडा फ्राई करना है। पिंच ऑफ डाल देंगे सॉल्ट, इसको अच्छे से घोट के लेंगे और इसे भी निकाल देंगे बाहर। और वापस से हम इसमें ऐड करेंगे तेल और जो हमने ग्रेट करके रखा था लहसुन वो डाल देंगे इसमें। हमें फ्लेम को मीडियम पे रखना है। ऐड करेंगे इसमें प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जब प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल की क्वांटिटी अब आपके हिसाब से डाल देना इसमें, जितना आपको वेजिटेबल पसंद हो। हमने ऐड किया है गाजर, हमें एक एक करके वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे गाजर, उसके बाद ऐड करेंगे कैबेज, गोभी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई पे रखा है, चाइनीज़ कभी भी हाई फ्लेम पे बनाया जाता है। वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करके लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, हमने 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है। 1/4 टीस्पून किया है हमने काली मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे शक्कर। जब आप चाइनीज़ बनाओ तो इसमें हमेशा शक्कर का इस्तेमाल करना। हमें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स को फ्राई करके लेना है। वेजिटेबल फ्राई हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जिसको हमने फ्राई करके रखा था। हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से वेजिटेबल्स में भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस।
दो चम्मच ऐड कर रहे हैं विनीगर, अब इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच सोया सॉस, इसको अच्छे से भून के लेंगे। हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है, अब इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच चिली सॉस, हाई फ्लेम पे। ये प्रोसीजर हमें बहुत झटपट से करना है क्योंकि हमारा वेजिटेबल्स नहीं तो पक जाएगा। अब हमने इसमें ऐड किया है स्प्रिंग अनियन, आधा हम स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, आधा बाद में ऐड करेंगे। वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस जो हमने बॉईल करके रखा था, आधा राइस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर आधा डाल देंगे वापस से। आधा राइस अच्छे से मिक्स हो गया वेजिटेबल में, अब आधा हम इसमें डाल देंगे और डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था अंडा। इन सारे चीजों को अब हमें अच्छे से झटपट से फ्राई करके लेना है। फ्राई राइस चाइनीज कढ़ाई में बहुत अच्छे से बनता है, चाइनीज़ कढ़ाई बहुत बड़ी रहती है, इसके लिए इसमें अच्छे से सारे चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो बनके तैयार है हमारा चिकन फ्राई राइस। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।